Hey guys, welcome back to my channel. Once again, I hope every one of you are doing very, very great. Today, I will be reviewing Nykaa K palettes, which I got few days back from Nykaa, and they got me delivered after 2 days. So I got 3 palettes from Nykaa, which were these 3 palettes. The first palette is the Sugar Plum. Second one is Poison Apple. This is the palette which I used today to create this party look. And last one is the Undersea palette. मुझे सबसे अच्छी लगी कि Huda Beauty के Obsession palettes जो आते हैं आप लोगों ने अगर use किया होगा या नहीं I don't know. They are similar to those palettes. All the shades, everything is something similar to that palette. And if you are not able to afford Huda Beauty palette, everyone knows that Huda Beauty के products कुछ ज़्यादा expensive है and not everybody can afford that palette and the products of Huda Beauty. But if you want something replica kind of palette similar to the Huda Beauty Obsession, then you can go for these palettes as they have the similar kind of shades in them. और उसमें भी 9 shades आते हैं, इसमें भी 9 shades आते हैं. Packaging थोड़ी सी different है, outer packaging different है. And about the pigmentation, yeah, the pigmentation is really very nice. I had used this eyeshadow today, but yeah, if you are looking like super blendable eyeshadow, then these palette I would not like to recommend these palette. तो अगर blending की बात करेंगे, जी हाँ, blend हो जाएगा. I'm not saying that this is not blendable. This is blendable, but you will like need a lot of effort to blend it. तो पहले पैलेट की बात करते हैं. यह है शुगर प्लम का पैलेट जिसमें आपको नजर आएंगे 9 shades जो है सारे पिंक टोन के, जिसमें सिर्फ 3 shades हैं मैट शेड्स. दीज 3 आर मैट आई शेडो शेड्स, बाकी जो है शिमरी शेड है. अगर आप इसको एथनिक वेयर या फिर पार्टीज में वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक में भी क्रिएट कर सकते हैं इस आई शेडो से. बहुत ही प्यारे लाइक लुक्स क्रिएट हो जाएंगे अगर आप क्रिएट करेंगे. बहुत ही लाइक दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड वेरी अफोर्डेबल. मैंने इसको या आई फॉरगॉट टू टेल यू आई गॉट दिस 3 for $9.99. एंड गाइस 9.99 में अभी कौन सा पैलेट आता है जो कि बहुत सुपर पिगमेंटेड होता है और बहुत लाइक अच्छे कलर्स होते हैं. 3 palette आपको 999 में मिलेगा. दिस इज द प्लस पॉइंट. दूसरी बात है इसके जो कलर्स हैं दे आर पिगमेंटेड, सेकंड प्लस पॉइंट. पिगमेंटेड है, कलर्स एक्साइटिंग है. आपको मैं पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ. दिस आर सुपर पिगमेंटेड, बहुत अच्छे से पिगमेंटेड है. लेकिन या कुछ कुछ लाइक शिमरी शेड है इसमें जो लाइक बटरी टेक्सचर है लेकिन अच्छे से ब्लेंड नहीं होते, थोड़े से परत के तरह निकल के आ जाते हैं कुछ कुछ, बट ओनली 1 or 2. आई एम नॉट सेइंग ऑल द शेड. कुछ कुछ है लाइक दैट इज मैनेजेबल बिकॉज प्राइस के हिसाब से आपको इतना सब कुछ मिल रहा है छोटे से डब्बे में, छोटू से प्यारे से पैकेजिंग में, तो लाइक इट कैन बी मैनेजेबल गाइज. अगर आप उसको अगर वो लाइक शिमरी शेड जो परत परत में जो कह रही हूँ लेयर्स निकल के आ जाते हैं उसको आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो दैट इज लाइक गुड टू गो विथ. तो इसमें जो शेड्स हैं सारे पिगमेंटेड हैं लेकिन कुछ कुछ शेड्स हैं वो कुछ ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं हैं. जैसे आपको अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नज़र आ रहा है डार्क पिंक लेकिन आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो लाइक उतना पिगमेंटेड नज़र नहीं आएगा गाइस. कुछ कुछ शेड्स हैं, आई डोंट रिमेंबर विच शेड इज दैट वन, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है लेकिन बाकी शेड्स आर रियली वेरी अमेजिंग. आई रियली लव दिस वन, लाइक ये वाला. दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ. Yeah, this one is not that pigmented, not that dark. Yeah, बहुत light है, आप देख सकते हैं. Yeah, this is what I was talking about. Not super pigmented. Some shades are not super pigmented. तो या अगर आप like daily basis पे कोई like light makeup करना चाहते हैं casual look के लिए, over like makeup नहीं करना चाहते, loud नहीं चाहते, चटाक सा look नहीं चाहते, तो yeah, you can go with this kind of shades which are not super pigmented. या हल्का हल्का apply करके आईलाइनर वाइनर फाउंडेशन थोड़ा सा बीबी क्रीम कुछ भी आप जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करके आप जा सकते हैं. तो नेक्स्ट वन इज दिस वन शेड. सो दीज आर रियली वेरी पिगमेंटेड. दूसरा मैंने जो आज ये लुक क्रिएट किया है ये वाला पॉइजन एप्पल यूज करके किया है, तो ये वाला जो है दिस इज लाइक रियली वेरी नाइस. इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो शेड्स हैं बहुत ही प्यारे शेड्स हैं. आई रियली लव दिस वन, सो आई यूज दिस वन एंड इट्स रियली वेरी गुड. आपको मैं दिखा देती हूँ इसकी पिगमेंटेशन कैसी है. बहुत ही प्यारी पिगमेंटेशन है, आप देख सकते हैं. इट्स लाइक व्हाट एल्स वुड यू लाइक वॉन्ट विश. 1000 rupees में 3 palettes में इतने प्यारे प्यारे लवली शेड्स हैं, इतने लाइक दिस शेड इज सो नाइस, लाइक वाइन रेडिश पिंक, लाइक
very nice shade. I am in love with this, guys. This is, sorry, हाँ ये है like neutral. अगर आप like base setup करेंगे आई शेडो को स्क्रैप, यू कैन यूज दिस वन लाइटर शेड एंड दिस वन इज लाइक लुक. आई शो यू दिस वन, इट्स रियली पिगमेंटेड रेड. वाओ, ये मैंने ट्राई करके देखा था. लाइक दिस इज ऑल्सो सीरियसली इट्स वेरी नाइस. दूसरा है ये अंडरसी. दिस इज माई फेवरेट वन बिकॉज इसमें इतने प्यारे प्यारे लाइक कलर्स हैं. अगर मैं ना पैलेट देखती हूँ सबसे पहले आई डोंट गो फॉर लाइक न्यूड एंड न्यूट्रल काइंड ऑफ शेड बिकॉज मुझे पैलेट्स में पसंद आते हैं कलरफुल कलर्स लाइक कलर्स. मुझे कलर्स बहुत पसंद है, कलरफुल पैलेट्स पसंद है जिसमें येलो हो, ग्रीन हो, ब्लू हो. लाइक आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स. लाइक आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद माई लुक्स वट एवर आई क्रिएट, क्योंकि कलरफुल हो गया. लाइक एक ही लाइक ब्राउन न्यूड कलर अप्लाई करोगे लाइक एक सा ही लगेगा. लाइक गो डू समथिंग डिफरेंट. आपके ड्रेस के साथ मैच हो, कलरफुल हो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शेड हो जिसको देख कर आपका दिल ही खुश हो जाए, आपका दिन अच्छा रहे. तो यार ज़्यादा बोल रही हूँ, अवॉइड. तो इसमें ये शेड्स है येलो, ऑरेंज, ब्राउन. Like this is so good. Shimmery shades hai ye. Agar aapko zyada makeup nahi pasand, like if you like something kind of nude kind of look, then you can use this one. Yaar guys, main ye nahi keh rahi sirf chatak walon ko liye hi hai ye palette. Like agar aapko nude bhi pasand hai, kabhi kabhi aap zyada se nude ke liye jaate hain, to you can use this one. Dark purple color hai. Like I love this shade. Like all in one sare shades hai guys isme. Like what else would you want? To isme aapko main dikha deti hu yellow color. It's super pigmented. Like I love yellow. तो आप देख सकते हैं ये ना लाइक ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, लेकिन हाँ लाइक इट्स ओके. ज़्यादा सुपर पिगमेंटेड नहीं लगा ये वाला मुझे. इट्स ग्रीन, सो इट्स ऑल्सो पिगमेंटेड. नेक्स्ट इज ये न्यूट्रल कलर भी दिखा देती हूँ. ये वाला ब्राउनिश ऑरेंज शेड है. सॉरी, लाइक दे आर सुपर पिगमेंटेड गाइज. लेकिन या सबसे लाइक मुझे एक दो चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगी, जो है ये है थोड़ा सा चौकी है. आप जब ब्लेंड करेंगे आपको खुद फील होने लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ये चौकी है. और या ब्लेंड करने में इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपेरिजन टू अदर पैलेट विच आई हैव. मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था ब्लेंड करने में क्योंकि अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था. लाइक ब्लेंड हो जाता है लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है इस आई शेडो पैलेट के लिए. और बाकी या अकॉर्डिंग टू द प्राइस द प्रोडक्ट इज़ रियली वेरी गुड. इट इज़ लाइक वेरी नाइस इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ यू आर नॉट बिगनर, इफ यू आर प्रोफेशनल, वॉट एवर यू आर, इफ यू वॉन्ट समथिंग काइंड ऑफ बजट फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली विच यू कैन टेक इट एवरीवेयर यू वॉन्ट. लाइक इफ यू वॉन्ट टू कैरी इट विद यू इन योर स्मॉल पर्स और बैग, देन येस यू कैन गेट दिस वन. एंड या गाइस, आज मैंने जो मेकअप लुक क्रिएट किया है ये पैलेट से किया है जो कि है पॉइजन एप्पल. इससे मैंने ये लुक क्रिएट किया है. इस लुक को आप कहीं पर भी लाइक पार्टीज में, फेस्टिव फंक्शन में, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक में, या फिर इंगेजमेंट कहीं पे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं. स्पेशली एथनिक वेयर के साथ ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा. एंड अबाउट द हेयर स्टाइल, यू कैन गो विद एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल. मैसी बन, एनी काइंड ऑफ बन, पोनीटेल या फिर ब्रेडेड, एनी थिंग. बिकॉज मैंने आज ये कर्ल्स ही करे हैं. मैं ज़्यादातर ये ही प्रेफर करती हूँ, स्ट्रेट हेयर एंड कर्ल्स. आई डोंट रियली एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ द बैड पॉइंट अबाउट मी. या बट आई विल इम्प्रूव दैट ऑल्सो. लेकिन आप इसको या ऐसे खुले बालों के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा. एंड या गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. उससे आपको मेरी वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेंगे. एंड या गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप टू माई वीडियो. एंड इफ यू डिडंट लाइक माई वीडियो देन प्लीज share your feedback below. This will really help me to grow and learn something from you all also. And मैंने अपना Instagram handle जो है नीचे mention कर दिया है आप सभी के लिए. अगर आप मेरे किसी भी look को create करते हैं तो please मेरे Instagram handle में मुझे tag करना बिल्कुल ना भूलें. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, contact करना चाहते हैं मुझसे, कुछ queries आप जानना चाहते हैं, तो आप Instagram में भी DM कर सकते हैं. और साथ ही जो भी products मैंने use करे हैं इस makeup look को create करने के लिए, उसको मैंने आप सभी के लिए description box में mention कर दिया है.